क्या कहेंगे आप इस रेस्टोरेंट के बारे में? जबरदस्त है रेस्टोरेंट और किराक है, किराक और मौत डाल दी है बावर्ची ने वो जबरदस्त खाना था, मजा आ गया। ओके, वो जबरदस्त खाना है, अच्छा लजीज है, जबरदस्त मौत डाल दिया बावर्ची ने, मौत डाल दिया भाई, मौत डाल दिया। मौत के बाद फिर जिंदगी कैसे पता नहीं, मौत डाल दिया। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं हम लोग दोस्तों? हम जा रहे हैं सर जगह जफनेन में। किस लिए जा रहे हैं? एक होटल की ओपनिंग है, होटल की पाकिस्तान होटल की, उसके जा रहे हैं। अच्छा जी, रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और तो भाई हम लोग गाड़ी फुल है, अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए, और ओपनिंग चल के आपको दिखा दे। लोग आ रहे हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार खोल रहे हैं यहाँ पर अपने। आप लोग भी हिम्मत पकड़े, जो बातें करता रहता है वो बातें करता रहता है। सोचने वाले का काम नहीं है भाई। तो हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट पे, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन होने जा रहा है इंशाल्लाह, उसकी ओपनिंग चल के आपको भी दिखाते हैं और हम भी एंजॉय करते हैं किस तरह लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपने कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर रहे हैं। तो हुसैन भाई बातें करने वाले बातें कर रहे हैं, और ओपनिंग करने वाले जिनको फिक्र है लगन है वो माशाल्लाह काम चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कैसा है भाई बिरयानी? आज से ठीक है, भलो से भलो से। चलो भाई भलो, कैसा है भाईजान टेस्ट? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कहाँ से आप? मैं मुंबई से, इंडिया। मुंबई से, आमची मुंबई। हाँ ओके गुड। बीफ निहारी, दजाज कढ़ाई, लहम बकर निहारी, कोरमा, समक, बिरयानी, वेजिटेबल, मतलब एवरीथिंग इज देयर भाईजान। दाल फ्राई, चना, सब कुछ भाई। मैं रेस्टोरेंट था वरग वरे उमाना तुबा देखिए वशी वशी वरग आया था बाग वशी रेस्टोरेंट ऐठा कॉमन चल वे इंशाल्लाह। ये जिपरीन का एरिया में ये फर्स्ट टाइम बांग्लादेश, इंडियन, ओमानी, पाकिस्तान हर तरह का सब खाना पाइबे अपनारा सबाई। एटा लोकेशन, एक्जैक्ट लोकेशन होइसे जाय जिपरीन जुमा मस्जिद, ये ओवरब्रिज, नतून ओवरब्रिज होतेछे, ओवरब्रिजेर पाशे। एखाने अपनारा बांग्लादेशेर सब धरनेर खाना पाइबेन इंशाल्लाह। आर आमरा एनी टाइम आपनादेर जन्य एखाने आसि, चेष्टा करुम आपनादेर जन्य भालो एकटा सार्विस दिते इंशाल्लाह। आमादेर जन्य दोआ करबेन, सबाई आसबेन, एटाई कामना आमादेर सबार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बलोच का शेफ भी लेकर आए हम लोग, खाने की वैरायटी है इसमें, और जैसे लाइव कराची में होता है और लाहौर में होता है और इसी जगह पे होता है लाइव कढ़ाई और तखत स्टाइल का होता है, वो खाने रखे हैं हमने जिसमें। तो बेसिकली आप जो है वो एक हाईवे स्टाइल लेके आए हो, ये पूरा हाईवे है यहाँ पे सामने और हाईवे स्टाइल जो है ये सारा पीछे पूरा स्टाइल है, बिल्कुल हाईवे स्टाइल। तो आपको कढ़ाई मिलेगी और निहारी, पाया, बिरयानी, ट्रेडिशन का खाने हैं वो मिलेंगे आपको, फुल ट्रेडिशन, फुल टच के साथ। मतलब ये जो फट्टा कल्चर है ये मैंने बहुत, मुझे खुशी, मतलब मैं मिस कर रहा था जो हाईवे पे हम नॉर्मली जो है वो शनवारी वगैरह को एंटरटेन करते हैं उसी तरह का बिल्कुल ये कल्चर है, उसी तरह का बिल्कुल हम रखा है की यहाँ पर इस टाइप का कुछ सिलसिला है नहीं, यहाँ पर हमने बोला इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो बारबेक्यूज भी है आपका लाइव वगैरह सारा तकरीबन, लाइव बारबेक्यू भी और फैमिली हॉल्स वगैरह भी अलग से रखा हुआ है हमने, बिल्कुल ओमानी के लिए जो भी फैमिली आती है अच्छा उनके लिए बिल्कुल अलग से फ्लैट रखा है। तो भाई आप बेहतरीन किस्म से फैमिली के साथ, एक तो ये जो तख्त कल्चर है ये एंजॉय कर सकते हैं, दूसरा फैमिली सिटिंग, फैमिली हॉल भी है इनका यहाँ पर, अगर आप अथेंटिक किस्म का बारबेक्यू, कढ़ाई, बिरयानी वगैरह जो है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। लोकेशन इसकी बहुत ही आसान है, आप स्ट्रेट अवे आए सीधा सामने से चल के, और वापसी में ये कट जो है ब्रिज के पास से सीधा का सीधा आपको लेके आएगा इस रेस्टोरेंट पे। अच्छा भाई ये इनका हॉल है यहाँ पर, मेंस की सिटिंग है सारी की सारी, ये पूरी प्रॉपर अथेंटिक किस्म की, इधर भी अंदर भी बैठने के जो है वो तख्त हैं, और उसके बाद जो है वो फैमिली एरिया भी पीछे से उसका गेट है। तो भाई ये रेस्टोरेंट के सामने से बिल्कुल आप इस गली में से आएंगे तो ये है इनका फैमिली हॉल, पूरा फैमिली की प्रॉपर सिटिंग है। अगर आपने कुर्सियों पे बैठना है, आपने तख्त पे बैठना है, आपने रूम्स के अंदर बैठना है, पूरी अच्छी खासी सिटिंग है यहाँ पर, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के आराम से अपने मील को एंजॉय कर सकते हैं। तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ओपनिंग्स हो रही हैं, नए नए वेंचर्स लोग खुल रहे हैं, मिठाइयाँ बढ़ रही हैं, और इन ओपनिंग्स के पीछे जो है वो हर बंदे की अपनी एक कहानी है। तो ये जितने भी वेंचर्स यहाँ पर खुल रहे हैं आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि नए लोग आएँ, उनके बिजनेसेस जो हैं वो परवान चढ़ें और वो लोग ऐसे ही फलें फूलें और अपने मामलात को चलाएँ।